गुरुकुल की छात्रा आभा ने बीपीएससी में सफलता प्राप्त कर जिला कल्याण पदाधिकारी के पद को प्राप्त किया। हजारीबाग के शिवपुरी निवासी कुडरमा में सीआईडी इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत विनोदा नंद सिंह और गृहिणी विजया लक्ष्मी की पुत्री गुरुकुल कोचिंग संस्थान की छात्रा आभा ने 64वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त कर प्रतियोगी विद्यार्थी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिए गए इस परीक्षा में आभा जिला कल्याण पदाधिकारी के रूप में चयनित हुई हैं। आभा की शानदार सफलता पर गुरुकुल के निदेशक जेपी जैन ने उसे मिठाई खिलाकर बधाई दी। आभा ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुकुल कोचिंग संस्थान के निदेशक जेपी जैन और अन्य मार्गदर्शकों को प्रदान किया है। गुरुकुल की गुणवत्तापूर्ण अध्यापन शैली, उत्कृष्ट नोट्स, निरंतर टेस्ट सीरीज, कक्षाओं में ही याद कराने की अद्भुत कला को आभा अपनी सफलता का मुख्य आधार मानती है। आभा ने हजारीबाग के केबी महिला कॉलेज से बीकॉम की परीक्षा पास की तथा उसके पश्चात बीएड की डिग्री हासिल करने के बाद 2016 में जेटेट की परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। साथ ही उसने बिहार सीडीपीओ तथा जेपीएससी की परीक्षाओं में विगत 2-3 बार से निरंतर साक्षात्कार दिया। आभा की शानदार सफलता पर गुरुकुल के निदेशक जेपी जैन, प्रबंध निर्देशिका शिप्रा जैन और अन्य शिक्षकों ने खुशी व्यक्त की है। निदेशक जेपी जैन ने कहा कि प्रतियोगी छात्राओं को आभा की सफलता से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, बस आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, हिम्मत और हौसले की जरूरत है। गुरुकुल की प्रबंध निर्देशिका शिप्रा जैन ने कहा कि आभा की सफलता की कहानी छात्राओं के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। जो जीवन में घरों की चार दीवारी में कैद रहती हैं तथा जो कुछ असफलताओं से हतोत्साहित होकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बीच राह में ही छोड़ देती हैं। लड़की लोगों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, पेरेंट्स को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को। यही है कि पेशेंस ना खोए, बस लगे रहें। अगर नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो एक ना एक दिन हो जाता। मेहनत जो है कि वो उसका कोई विकल्प नहीं होता, कई सफलता की ओर ही ले जाता मेहनत। तो बस जिनका हो रहा उनको तो ऑल द बेस्ट, आगे मेहनत करें, लेकिन जिनका नहीं हो रहा तो वो हार ना माने, बस वो लगे रहें उस चीज़ में, क्योंकि एक दिन वो सफल होंगे। नहीं, सब मेहनत करेगी तो लड़की लोग पास करेगी। बढ़िया से मेहनत करे, ध्यान दे पढ़ने में, और उसे कोचिंग को भी करता है लेकिन वहाँ भी सफलता मिलता है, लेकिन घर में भी मेहनत करे तो अच्छा रहता है। हजारीबाग की बेटी ने बीपीएससी में परचम लहराया और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई 64वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर हजारीबाग और पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। आज आभाजी पर हम लोग को काफी गर्व है, पूरा गुरुकुल परिवार आनंदित है, हर्षित है, पुलकित है और सभी शिक्षक भी काफी हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि आभाजी ने हमारे मान को सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाया है। आभाजी के बारे में मैं क्या बताऊं, इतनी मेहनती, इतनी डेडिकेटेड, इतनी समर्पित छात्रा कि लगातार उन्होंने मेहनत किया। कई बार साक्षात्कार में जो है उनका चयन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जेपीएससी का भी उन्होंने इस बार साक्षात्कार दिया था, उसके पूर्व बिहार में सीडीपीओ में भी उनका साक्षात्कार में नहीं हो पाया, जेटेट में भी उनकी उन्होंने सफलता प्राप्त की और बीपीएससी में लगातार साक्षात्कार देने के बाद इस बार इनका फाइनली सिलेक्शन हो गया और हम लोग सभी गदगद हैं और आभा जी प्रेरणा स्रोत हैं उन लड़कियों के लिए, उन छात्राओं के लिए जो ये सोचती हैं कि इन सब प्रतियोगिता परीक्षाओं में केवल लड़कों को ही सफलता मिलती है। वी टाइम न्यूज के लिए हजारीबाग से दीपक कुमार की रिपोर्ट।